गाइज, आज हम बात करेंगे विप्रो स्टॉक के बारे में और इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि चार्ट पे क्या दिख रहा है और क्या मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे लॉन्ग टर्म पे इसका ट्रेडिंग रेंज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखूँगा और फिर उसके बाद फिर मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे इसका मिड टर्म टारगेट्स और क्या सिचुएशन दिख रही है वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू स्टार्ट विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेडिंग जोन। दिस कैन ऑल्सो बी अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बट थोड़ा सा कम रेंज रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म करा है इन कपल ऑफ ईयर्स बैक से। सो मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पर डाल रहा हूँ। सो जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस काफ़ी ये बुलिश रहा है स्टॉक। व्हाट इट डिड वॉज इन जून 2019 इट ब्रोक द 200 EMA एंड देन द बेयरिश ट्रेंड स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट इट फाइंड सपोर्ट्स ओवर हेयर एंड देन इट स्टार्ट्स टू गेट अ वॉल्यूम एंड देन इट ब्रोक एंड टेक सपोर्ट ऑफ EMA 200 एंड देन इट ब्रोक आउट। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारे इंडियन स्टॉक उठा था इस टाइम से। सो विप्रो ने भी उसी का एडवांटेज लिया और इसने काफ़ी अच्छा बुल रन लिया। अगर आप इसका स्विंग लो से स्विंग हाई देखें तो ऑलमोस्ट इट डिड 347% गेन। सो कोई भी अगर स्टॉक इतना ऊपर जाता है तो कम से कम भी हेल्दी करेक्शन जो होनी चाहिए स्टॉक की 50% तक पे होनी चाहिए। सो कंसिडरिंग दैट आई थिंक जो 50% जोन रहेगा वो आपका ऑलमोस्ट ये रहेगा, तो मैं इसे ही कंसिडर करूँगा 50%, विच इज़ 380 का एरिया जो है, 380 टू 360 का एरिया जो है, इट विल बी गुड रेंज। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है कितनी भी स्पीड से कैसे भी जाता है, अगर उसे और ऊपर जाना है तो इट शुड हैव एटलीस्ट 50% करेक्शन इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी कंटिन्यूएशन। सो इस रेंज को मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज अ लास्ट सपोर्ट ऑफ दिस ट्रेड एंड देन इट शुड मूव अप। और ये भी हो सकता है कि उससे पहले भी रिवर्सल ले जाए, ऐसा नहीं है कि ये यहीं से मूव करेगा, बट जो कंसिडर करता हूँ मैं कि अगर लॉन्ग टर्म आप देख रहे हैं चीज़ों को तो इस तरह से आप देखेंगे इसे। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि इसने प्रीवियसली किस तरह से प्राइस एक्शंस करें। अब आप देख सकते हैं इसने इस तरह से कॉन्सोलिडेट करा, पोल फ्लैग बनाया, फॉलिंग वेज बनाए, फिर ऊपर गया, फिर फॉलिंग वेज बनाया बीच में एक बार और, फिर ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस फाइंड करी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना जो सा मैंने एरिया मार्क करा है वो रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करा, फिर इसने कंसोलिडेट करा, इनवैलिडेट पैटर्न करा, फिर ऊपर गया, फिर इसने बुल फ्लैग बनाया। इसने बुल फ्लैग बनाया उसके बाद फिर से ये कंटिन्यूएशन में रहा, फिर इसने बुल फ्लैग बनाया इस तरह से और फिर ये कंटिन्यू होता रहा इस तरह से। इसने आपका टॉप गेन कर लिया और इसने फाइनली अपना सबसे पहला रेजिस्टेंस जो कि अक्टूबर 2011 में अपना टॉप रेजिस्ट कर लिया विच इज़ एट 730 एंड देन व्हाट इट डज इट डिड कम डाउन एंड टेस्टेड द प्रीवियस सपोर्ट एंड इट ट्राइड टू होल्ड, जिसके अंदर EMA 200 भी साथ दे रहा था, और उसके बाद इट ट्राइड टू ब्रेक द ऑल टाइम हाई अगेन
बट इवेंचुअली क्या होता है कि ये डबल टॉप बना के रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ जाता है, जिस वजह से ये वाला जो डबल टॉप है ये पैटर्न फॉर्म हो जाता है, विच इज़ अ बियरिश पैटर्न। और वहीं आप देख सकते हैं कॉन्साइड कर रही है ई एम ए। सो बेसिकली यहाँ ही से ये वाला जो एरिया हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, बिकॉज यहाँ पे डबल टॉप का नेक लाइन आ गया, ई एम ए की क्रॉसिंग आ गई और ये कंसोलिडेशन और रिजेक्शन कई बार हो चुका है। आप देख सकते हैं कई बार इसने चढ़ने की कोशिश करी फिर भी नीचे आ रहा है। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ गुड रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ गुड सपोर्ट एरिया, बिकॉज दिस इज़ सपोर्ट एरिया बिकॉज 50% करेक्शन अगर आप देखें ना एक स्विंग लो से प्रॉपर स्विंग हाई तक, तो ये प्रॉपर सपोर्ट देता है 50% पे आके, ठीक है। तो ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन फेज का जोन है लॉन्ग टर्म पे। सो यहाँ पे आप सपोर्ट फाइंड करेंगे, यहाँ से आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट देखना चाहें, अगर मैं इसका थोड़ा सा देखूं तो ये ऑलरेडी मेट कर चुका है। आप देख सकते हैं 1.6 फिबोनाची पे 7478 विच इज़ ऑलरेडी हिट। सो यहाँ से ये थोड़ा सा कोशिश करें कंसोलिडेट करने की, मे बी यू कैन हैव गुड ट्रेडिंग जोन, उसके बाद फिर से ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो ये क्या और कर सकता है, ये एक चीज़ और कर सकता है विच इज़ अगर ये वाला ई एम ए है ये नीचे आ जाता है और ये कंसोलिडेटेड करके इसके ऊपर कन्फर्मेशन लेता है, फिर ये ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, देन यू आर श्योरली केम बैक टू बुलिश ट्रेंड। अदरवाइज़ ये अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म पे अभी थोड़ा सा नीचे सपोर्ट टेस्ट कर सकता है, जैसे तरह की मार्केटिंग कंडीशन भी है, हो सकता है ये सॉर्ट ऑफ बियर फ्लैग बनाए, इस तरह से पैटर्न बनाए यहाँ पे फिर ये नीचे आए। तो ये दो एरिया रहेंगे आपके मेन, एक तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट एरिया, ठीक है। इसी तरह से आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है कि इसके नीचे अगर चला जाता है स्टॉक तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा सा और डीपर करेक्शन ले सकता है। और आपको जो बाइंग करनी है वो ई एम ए के क्रॉसिंग पे और इस सपोर्ट जोन से ऊपर जब आए उसके बाद ही बाइंग करनी है। सो विप्रो का मैं यही देख पा रहा हूँ फ़िलहाल, स्थिति ये बन पा रही है इसकी। और अगर मैं इस जगह को इसका स्विंग लो समझ पाता हूँ कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे वो बता देता हूँ आपको। अगर हम इसका टॉप लेते हैं 730 और इसका बॉटम लेते हैं आपका 380 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ओके 390 ले लेते हैं। सो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो येलो जोन है इट एक्ट्स लाइक ए रेजिस्टेंस एरिया, जो कि आपको इससे कॉन्साइड करें नेक लाइन से। और ये वाले जो एरिया है जो मैं आपको बता चुका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो वही विजिबल कर रहा है ये। तो इस समय क्या होगा, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, उसके बाद ये नेक लाइन और ये रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर ऊपर जाएगा, विच कैन गो अप टू 947 एंड मोर देन 947 विच इज़ 1000 रुपीज़। अगर थोड़े लाइन और क्लियर करें तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ तक जा सकता है ये शेयर। सो अभी जैसे प्राइस चल रहा है आपका 470, और अगर आप इसका अच्छे से इसे ट्रेड को पकड़ पाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 150% 130-150% तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर रहेगा, इट्स नॉट लाइक कि कल ही गिर जाएगा यहाँ पे आके और एकदम चला जाएगा, इट गोना टेक सम टाइम। बट जो एक्यूमुलेशन जो एक्यूमुलेशन जोन है वो ऑलमोस्ट यही एरिया है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, ये 472-390 तक का जो एरिया है ये अच्छा एक्यूमुलेशन फेज़ है। उससे नीचे अगर जाता है यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस, बट फॉर नाउ दीज जोन आर गुड फॉर एक्यूमुलेशन एंड यही टारगेट्स और यही चीज़ आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। इसे ही मार्क कर देता हूँ मैं, अगर आप कभी वीडियो को बाद में देखें तो आप देख सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस समझ आया तो आप मुझे कमेंट डाउन में बताना। अगर आपके पास कोई और सजेशन है प्राइस करेक्शन के, प्राइस प्रेडिक्शन के, तो उसके बारे में बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ दीप सिंगल साइनिंग ऑफ।